फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रबोध कुशवाहा ने सीमापुरी थाना क्षेत्र में बम मिलने की पुष्टि की। वीरवार की दोपहर 2 बजे सीमापुरी थाने को एक पीसीआर कॉल रिसीव होती है कि पुरानी सीमापुरी इलाके में एक घर में संदिग्ध बैग रखा है, जिसके बाद क्षेत्र के अंदर हड़कंप मच जाती है और पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। हम बता दें कि इससे पहले सहादरा के अंदर भी एक लावारिस बैग मिलने की खबर आई थी, जिसके बाद तमाम पुलिस अधिकारी वहां भी पहुंचे थे, मगर उस बैग के अंदर सिर्फ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला था। उसके बाद सीमापुरी थाना क्षेत्र के अंदर भी एक कॉल मिलती है कि एक 3 मंजिला इमारत के अंदर एक लावारिस बैग है, जिसके बाद सहादरा जिला के डीसीपी आर सात्या सुंदरम के अलावा तमाम पुलिस दल, इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल सेल की टीम, एनएचडी की टीम और बम स्क्वाड टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस टीम, ये तमाम टीमें पहुंचती हैं, जो कि दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बज चुके हैं। लगातार यहाँ रेस्क्यू चलाया गया और उसके बाद बम की पुष्टि की गई, जो कि स्पेशल सेल के डीसीपी हैं प्रमोद कुशवाहा, उन्होंने बम मिलने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी के अंदर जनवरी के अंदर आईईडी बम मिला था, जो कि टाइम रहते उसे निरस्त कर दिया था। और अब सहादरा जिला के सीमापुरी थाना क्षेत्र में एक 3 मंजिला इमारत के अंदर एक बैग मिला, उस बैग के अंदर बम की पुष्टि की। उस घर के अंदर जो रहते थे वो वहां से फरार हैं। पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है कि जो उस घर में लड़के रहते थे उनको किसने रखा था और वो कहां से आए थे। ये तमाम चीज़ें डीसीपी आर सात्य सुंदरम का कहना है ये जांच का है और सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जा रही है। क्षेत्र की जनता से हमने बात की तो उनका भी कहना यही था कि पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और अपना काम कर रही है। सुने आप बाइट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद मीर है। किसका घर था, कौन है ये? देखिए, पुरानी सीमापुरी का एरिया जहां आप खड़े हैं, ओल्ड सीमापुरी, और यहां पर जो है जिनका मकान था उनका मालिक का नाम है हाशिम और उसमें किराएदार रहते थे। कब आए थे ये किराएदार? इसकी जानकारी नहीं है कब आए थे वो, लेकिन हमें ये अभी दोपहर में जब यहाँ भीड़ थी और पुलिस अपना काम कर रही थी, यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो उसमें ये पता चला कि भाई पुलिस कोई काम यहाँ पर हो रहा है, जब तक कोई कंफर्म नहीं था क्या है। उसके बाद अभी मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि भी एक बैग मिला जिसके अंदर बम था। तो आपको यहाँ पहले कितने साल से रह रहे हैं और ऐसा कभी हुआ है पहले कभी? जी हमें 40 साल हो गए, लेकिन अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ सीमापुरी में कि इस तरह की कोई वारदात हुई हो और कोई इस तरीके की हो, लेकिन यह कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा। ये लड़के कौन हैं आप यहाँ के लोग जानते हैं? कोई जानकारी नहीं है। तो ये किराए पे कब से आए थे? किराएदार के तो ये बता दें 3-4 दिन। कुछ पता लगा क्या मिला है बैग में? इसका नहीं पता कि भाई कौन लोग थे।